अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही बढ़िया से चिकन रेसिपी बनाने जा रही हूँ, चिकन ग्रेवी, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनता है। तो उसके लिए देखिए, ये कुछ चीज़ें ले ली हूँ। दो टमाटे ले ली हूँ मैं बड़े साइज़ के, उसको इस तरीके से मोटा मोटा कट कर ली हूँ। हरी मिर्ची, पाँच से छः हरी मिर्ची है ये, और काजू ले ली हूँ, 2 टेबल स्पून काजू है ये 50 ग्राम के करीब, और 1 बंच कोथमीर। तो कोथमीर को भी अच्छे से वॉश करके रख ली हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए, एक कढ़ाई ले ली हूँ, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दूंगी। तेल डाल के ये सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। और ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में चिकन ग्रेवी बनता, मगर बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनता है। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से पहले भून लूँगी मैं। तो इसको 5 मिनट तक अच्छे से भून लेना है, टमाटे को, काजू को, हरी मिर्ची, कोथमीर को। तो इसको 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। ये देखिए, टमाटे भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ दे रही हूँ मैं। और ये ठंडा होने के बाद इसको पीस लेना है। इसको साइड में रख दूंगी मैं ठंडा होने के लिए। तो ये मसाला ठंडा होने के लिए साइड में रख दी हूँ मैं इसको। और यहाँ पर देखिए, ये चिकन ले ली हूँ मैं। तो ये 1/2 kg चिकन है, और इसको अदरक लहसुन और हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल के मैरिनेट करके रख दी थी मैं। इस तरीके से मैरिनेट करके रखे तो कुकिंग में बहुत इजी हो जाता। तो ये 1/2 kg चिकन है, आप लोग बोनलेस में भी बना सकते हैं इसको, मगर ये बोन वाला है, 1/2 kg है। इसको अच्छे से मैरिनेट करके रख ली थी। आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं बिना मैरिनेट करे हुआ। और यहाँ पर देखिए, एक पैन ले ली हूँ मैं। तो अब इसमें मैं तेल डाल दूंगी ग्रेवी के हिसाब से। तो ये मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून फुल, ये देखिए। और अब इसमें चिकन डाल दूंगी। चिकन डाल के इसको थोड़ा सा भून लेना है। तो इसको थोड़ा सा भून लूंगी मैं चिकन को। चिकन को अच्छे से भून ली हूँ मैं 5 मिनट तक। और यहाँ पे देखिए, ये ठंडा हो गया था, इसको भी अच्छे से पीस ली हूँ मैं। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालिए, 1/2 कप पानी डाल के इसको भी पीस के रख ली हूँ मैं। ये देखिए, इस तरीके से फाइन सा पेस्ट बना लेना है इसका। तो अब ये चिकन में डाल दूंगी मैं। तो जार में थोड़ा सा पानी डाल के हिला के डाल दी हूँ मैं। अब इसमें बाकी की चीज़ें डाल दूंगी। अब इसमें बाकी की चीज़ें डाल दे रही हूँ। तो ये धनिया पाउडर डाल दी हूँ मैं 1 टीस्पून फुल भर के, और हरी मिर्ची डाली थी पीसने में, इसलिए वो हिसाब से मिर्ची डाल रही हूँ। ये भी 1 टीस्पून फुल है। नमक मैरिनेट करते टाइम डाली थी, इसलिए वो हिसाब से डाल रही हूँ। तो सारे मसाले डाल के इसको अच्छे से भून लेना है। तो इसको मैं लिड लगा दे रही हूँ 5 मिनट के लिए, उसमें चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको 5 मिनट से ज़्यादा हो गया है, देखते चिकन का क्या हाल है।
देखिए तेल पूरा ऊपर आ गया, इसका मतलब ग्रेवी पूरा अच्छे से पक गई है। ये देखिए, और चिकन भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया। ये देखिए चिकन भी अच्छे से गल गया है। देखिए इतना ग्रेवी है। आप लोग चाहे तो इसको बिल्कुल पतला सालन भी बना सकते हैं, पूरा लिक्विड वाला। तो थोड़ा सा थिक है, ये देखिए इस तरीके से। तो आप लोग चाहे तो और पानी डाल सकते हैं इसमें। तो अब इस टाइम में मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ। कसूरी मेथी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है चिकन ग्रेवी में। बिल्कुल एंड में डालना है, और इसमें कोई भी स्पाइसी गरम मसाला नहीं है। बिल्कुल बेसिक सा काजू का पेस्ट, टमाटे, हरी मिर्ची, कोथमीर का जो पेस्ट बनाई थी उसी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और जो एंड में मैं कसूरी मेथी डाली उसी से। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी को। बहुत ही सिंपल रेसिपी है मगर बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनती। और आप लोग चाहे तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं, उससे और थोड़ा रिच हो जाता है ये। तो ये देखिए इतना ग्रेवी रखी हूँ, और चिकन भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, ये देख सकते हैं। तो अब इस टाइम में मैं इसको फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को रेसिपी ज़रूर पसंद आएंगी। और अगर रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स करना ना भूलें। और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।